उनका बड़ा कैरियर होगा, वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे अपने कैरियर के बारे में। और जब चीन के राजनयिक से वो गुपचुप मुलाकात करते हैं और फिर चीन की बात करते हैं तो हंसी आती है। वो बड़े नेता हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सार्वजनिक करने के लिए उनका खून कभी नहीं खोलता है क्या? वो जाते हैं, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बात कर रहे हैं, करी है तो नहीं करी है तो, उन्हें कम से कम स्पष्ट तो करना चाहिए। अप्रत्यक्ष मदद की नौटंकी जो वो करते हैं ये ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को वो जिस तरह से रखते हैं मैं उसको भी ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका क्या कैरियर है वो जाने, देश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन पर मुझे तरस आता है या, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उम्र भी है, उम्र दराज भी है, अनुभवी भी हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, शून्य के बराबर ही हूँ, पर इतना मेरी जहाँ तक मेरी बुद्धि है छोटी सी, उसमें ये आता है कि जो सत्र निरस्त होता है उसकी पूरी प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, उसके सारे प्रश्न निरस्त हो जाते हैं, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, स्थगन जो भी होता है उस सत्र का सभी निरस्त हो जाता है। जब सब निरस्त हो जाता है तो ये कैसी प्रतिक्रिया है उनकी, कभी अंतर्मुखी होकर भी सोचना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।